देश की सुरक्षा में समर्पित हैं। जैसे भवन की रक्षा में द्वार पर खड़ा चौकीदार रक्षा करता है, उसी प्रकार देश की रक्षा करने वाले हैं। समाज की रक्षा करने वाले भी समाज के पहरुए हैं, जो समाज की सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न हैं। समाज में कोई बुराई कुरीति न आ जाए, समाज का कहीं अहित न हो जाए, समाज हमारी बिखर नहीं जाए, इस प्रकार की सेवा करने वाले भी महानुभाव हैं। हमें सबके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए। जो धर्म की सेवा कर रहे हैं उनके प्रति भी आदर और सम्मान का भाव, जो समाज की सेवा कर रहे हैं उनके प्रति भी आदर सम्मान का भाव, जो आपके परिवार को जोड़ के रखें सेवा कर रहे हैं उनके प्रति भी आदर सम्मान का भाव, जो देश की सेवा में संलग्न हैं उनके प्रति भी आदर सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करना वह भी एक पूजा है, एक धर्म है। जो अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन नहीं कर पाता है, चाहे कितना बड़ा वह अन्य कोई कार्य करे किंतु निष्ठा नहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, तो उनके भी कार्य प्राणहीन शरीर की तरह माने जाते हैं, विद्युतहीन विद्युत उपकरणों की तरह से माने जाते हैं, गंधहीन पुष्प की तरह से माने जाते हैं, मिठास से रहित पकवानों की तरह माने जाते हैं और ज्योतिषविहीन नेत्रों की तरह माने जाते हैं। इसलिए जो कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को आत्मा की परमात्मा की साक्षी में निष्ठापूर्वक करो। भगवान की पूजा करते हैं अभिषेक करते हैं निष्ठापूर्वक करो, घर में कार्य कर रहे सेवा करें निष्ठापूर्वक करो, आजीविका कमा रहे आप अपना चला रहे हैं धन कमा रहे हैं उसमें भी आपकी निष्ठा हो, ईमानदारी हो। महानुभाव, जैन श्रावकों के लिए 8 मूल गुण, 12 व्रत, जिन 5 व्रतों की चर्चा कल की, अणुव्रत 4 और 7 शील व्रत हैं, उनका पालन करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने कर्तव्य की चोरी करना कहीं नहीं बताया, और कर्तव्य की चोरी करके कोई व्यक्ति महान आय तक बना नहीं। संघर्षों का सामना करके भी व्यक्ति हर्ष में जीवन जीता है। जिसका जीवन प्रारंभ में संघर्ष में रहता है उसका जीवन अंत में निस्संदेह हर्षमय होता है। महाराणा प्रताप ने चाहे भले ही जंगल में रहकर के घास की रोटी खाई, मांस की बोटी नहीं खाई, जंगली पशुओं को नहीं खाया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, किंतु महाराणा प्रताप जीवन में कभी झुके नहीं, कभी हारे नहीं। अकबर उनसे कभी जीता नहीं और महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं। तो जो अपने कर्तव्य में निष्ठ रहता है, आप भी अपने कर्तव्य में निष्ठ रहो, ईमानदारी के साथ रहो, पर हित का भी ध्यान रखो, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को कष्ट मत दो। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत यही रहा है, जियो और जीने दो। यदि ये सिद्धांत आपके जीवन में रहेगा तो बहुत आगे पहुँचोगे। दूसरी बात, अभी महानुभाव भरत जी ने कही कि चोरी करना, टैक्स की चोरी, जैन समाज के लोग टैक्स बहुत देते हैं और देना भी चाहिए। टैक्स अदा करने से व्यक्ति कोई गरीब नहीं हो जाता। जो भाग्य आपका है, जितना आपको प्राप्त होना है, टैक्स चुकाने के उपरांत भी आपको उतना मिलेगा, कम नहीं होगा। जैसे दान देने से कम नहीं होता है, वैसे टैक्स चुकाने से भी धन कम नहीं होता है। जो दान देते हैं, बिना शर्त के दान देते हैं, निस्वार्थ दान देते हैं, चाहे मंदिरों के लिए, मूर्तियों के लिए, अनुष्ठानों के लिए, जिनवाणी के लिए, या करुणादान प्राणी मात्र के लिए देते हैं, उनका धन कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो टैक्स की चोरी करने से अमीर व्यक्ति नहीं होता, पूरा टैक्स चुकाने से उसकी धन की वृद्धि निरंतर होती चली जाती है। महानुभाव, यह भी हमारा देश की सेवा में बहुत बड़ा कर्तव्य होगा, हम देश के प्रति ईमानदार बने, असत्य भाषण न करें, हम न कर्तव्य की चोरी करें, न धन की चोरी करें, न किसी प्रकार की चोरी करें। ये भी देश की सेवा में एक कर्तव्य होगा, हम शील व्रत का पालन करें, कुसंस्कारों को जीवन में न आने दें। कुसंस्कार आने से पुनः पुनः हम पराधीन होते जाएंगे अनंत काल के लिए। जैसे भारत में कुरीति आ गई, फूट डालो राज करो, और राजा आपस में लड़े तो भारत गुलाम हो गया, ऐसी हमारे जीवन में यदि पाप रूपी राजा
या कुसंस्कार डाल देता है तो पुनः पुनः हमारी आत्मा गुलाम होती चली जाती है। इसलिए अपनी आत्मा को कुसंस्कारों से बचाना है। तो ये तिरंगा ध्वज जिसका मध्य भाग धवल है, चित्त की विशुद्धि का प्रतीक है, सामायिक का प्रतीक है, धर्म ध्यान का प्रतीक है, शुक्ल लेशा का प्रतीक है, और जिस विशुद्धि के साथ ही धर्म चक्र का प्रवर्तन संभव है, और उसके ऊपर वह केसरिया वस्त्र यह सादगी, अहिंसा, शांति, एकता इत्यादि का संदेश देने वाला है। यह ध्वज देख करके अपने कर्तव्यों का सदा सदा स्मरण करते रहना चाहिए, और कर्तव्यों का स्मरण करने वाला व्यक्ति कर्तव्य का पालन भी कर सकता है, और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति एक आदर्श पुरुष माना जाता है। उसके माध्यम से स्वयं का और दूसरों का जीवन सुखद बनता है। आज राष्ट्रीय पर्व पर हम इतना ही कहना चाहेंगे, राष्ट्र की सेवा करना भी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, धर्म है। राष्ट्र की रक्षा करना भी एक धर्म है, एक कर्तव्य है। राष्ट्र है तो हम हैं, हम हैं तो हमारा धर्म है। राष्ट्र ही नहीं तो न हम हैं, न हमारा धर्म है, न हमारी संस्कृति है, न हमारी सभ्यता है। इसलिए राष्ट्र के प्रति सभी को अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए, और स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, शहीद हुए, उसमें बिना किसी भेदभाव के हर जाति, हर कौम, हर संप्रदाय के व्यक्तियों ने भी अपनी आहुति दी। स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान, डॉक्टर कपूरचंद जी खतौली ने वह लिखी पुस्तक ज्योति और कपूरचंद जी ने, उसे पढ़ना चाहिए। लगभग शताधिक जैनों ने अपनी आहुति दी। ग्वालियर की घटना, सागर की घटना, कहाँ कहाँ की घटना, हाँसी की घटना, जैन को टांग दिया था, लटका दिया फांसी पर, लटके रहे 3 दिन तक। कितने कितने लोगों ने जेल में जाकर के आंदोलन किया। पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज ने भी परतंत्र भारत में ही स्वतंत्रता के पहले 1947 15 अगस्त के पहले उनके अंदर भी जुनून था भारत को स्वतंत्र कराने का। एक पेड़ पर जाकर के 4 लड़कों के साथ चौराहे पर तिरंगा झंडा फहरा दिया था। उनमें भी जुनून था। जब भारत स्वतंत्र हो गया तब उन्होंने दीक्षा लेकर के आत्मा को स्वतंत्र करने का संकल्प लिया। महान भाव आचार्य श्रीविद्यानंद जी महाराज की भावना, दीक्षा के उपरांत भी देश के प्रति हितकर भावना रही, प्रशस्त भावना रही। उन्होंने शीर्षस्थ राजनेताओं को समय समय पर निर्देश दिया, समय समय पर मार्गदर्शन किया और शांति के सूत्र दिए। तो संत भी देश की शांति में, देश के हित में, देश के कल्याण में, देश की समृद्धि में अपना बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इसलिए उन्हें लोक मंगलकारी कहा जाता है, उन्हें शांति दूत कहा जाता है। उनकी छवि मुद्रा देखते ही व्यक्ति के विकार तिरोहित होते हैं। उन्हें देखते ही व्यक्ति को जीवन शैली जीने की कला आती है। व्यक्ति शांति के साथ अपना जीवन जी पाता है। आप सभी लोग अपनी ऐसी जीवन शैली बनाएं कि जिसके माध्यम से दूसरों को कष्ट ना हो। विचारों में स्वतंत्रता हो अच्छा है, विचारों में स्वतंत्रता हो अच्छा है, किंतु जीवन में संस्कारों का बंधन हो ये भी आवश्यक है। गाड़ी का पहिया चले, अपनी गति से चले, स्पीड से चले, कोई बात नहीं है, किंतु गाड़ी का पहिया, रथ का पहिया वोल्ट से कसा हुआ हो, अंततः वह गाड़ी को चला नहीं पाएगा, वह गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना होगी। इसलिए हमारा जीवन विचार करने के लिए स्वतंत्र, खूब विचार करो, स्वतंत्रता से करो, किंतु उन विचारों पर एक ऐसा अंकुश होना चाहिए जैसे हाथी पर अंकुश होता है, घोड़े की लगाम होती है, अन्यथा उच्छृंखल तो देश का पतन करने में निमित्त बनता है। हम विचार करें, स्वतंत्रता से विचार करें, खूब बड़े बड़े विचार करें, उच्च विचार रखें, किंतु विचारों पर
सुसंस्कार का, भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का एक अंग को समझना आवश्यक है। यदि ये रहेगा तो हमारे विचार देशोन्नति में कारक बनेंगे, देश के विकास में कारण बनेंगे। देश का विकास हो, देश की उन्नति हो, देश की समृद्धि, देश की गौरव गरिमा निस्दिन वृद्धि को प्राप्त होती रहे, ऐसी हम भावना रखते हैं। और इसी भावना के साथ देश के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक राष्ट्रभक्त को हम अंतःकरण से, आत्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और देश उन्नति की भावना भाते हैं। और ये भी भावना भाते हैं कि संसार का प्रत्येक प्राणी अपने कर्तव्यों का निष्ठा के साथ पालन करे, अहिंसात्मक जीवन शैली को जिए, यही शाश्वत श्रेय मार्ग है। आप सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। इसी के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। द्वासंग जिनवाणी माता की। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान शिवकोटि मुनराय द्वारा विरचित रत्नमाला ग्रंथ यहाँ पर वाचना के लिए शास्त्र गद्दी पर विराजित है, उसकी वाचना यहाँ पर देख रहे हैं। वाचना के अंतर्गत श्रावकों के वारे व्रतों की चर्चा चल रही है। श्रावक को वारे व्रतों का पालन करना चाहिए। 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। 5 अनुव्रत का स्वरूप यहाँ पर सामान्यतया देखा, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, आचार्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत और परज्ञ परमाण अनुव्रत। ये 5 व्रतों का स्वरूप आचार्य बोधे ने बताया कि विमतीर विरति ही पंचानुव्रतानी। गृहिष्य नाम जो गृहस्थ हैं उन्हें इन 5 अनुव्रतों का पालन करना चाहिए। इनसे अपनी बुद्धि को पापों से हटा करके वे अपनी बुद्धि अनुव्रतों में लगाए। आचार्य समत्व स्वामी जी ने इन 5 पापों को नाली कहा, कर्मों का द्वार कहा। ये 5 जो क्रियाएं हैं ये पापों को बुलाने वाली नालिका हैं, द्वार हैं। इनके बंद करने से वह ग्रस्त स्थूल पापों से बच जाएगा और महावती बनने पर सूक्ष्म पापों से भी बचेगा। तो इनका स्वरूप देखा था, हिंसा, असत्य, चौर्य, परनारी और परग्रह विरक्ति, यही ग्रस्तों के 5 अनुव्रत कहलाते हैं। श्लोक नंबर 16 था ना। उच्चारण कर लिया था। गुणव्रता नाम आद्यस्यात्, जो गुणव्रत हैं उन गुणव्रतों में आदि का गुणव्रत है वह दिग व्रत है। दिग का अर्थ कहिए दिशा और व्रत कहिए संकल्प। दिशा का संकल्प अर्थात दशों दिशाओं में यावत जीवन आने जाने की मर्यादा कर लेना। मैं पूर्व दिशा में अमुक समुद्र, पर्वत, महान जंगल या देश, इसके आगे नहीं जाऊंगा। अमुक दिशा में वहाँ से आगे, तो सभी चारों दिशाओं का, विदिशाओं का या योजन आदि की मर्यादा लेकर के संकल्प लेना यह दिग्व्रत कहलाता है। दिग्व्रत यावत जीवन के लिए लिया जाता है। दिग्व्रत दशों दिशाओं में लेगी मर्यादा का नाम है। द्वितीयकम दूसरा जो व्रत है अनुव्रत वह यहाँ दिया अनर्थ दंड वृति व्रत। अनावश्यक कार्य नहीं करना, अनावश्यक कार्यों का त्याग करना, जो कार्य पाप के संवर्धक हैं, पाप को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे कार्यों को छोड़ देना चाहिए। जिनका प्रयोजन तो जिनका कम है, प्रयोजन कम सिद्ध हो रहा है, पाप ज़्यादा हो रहा है, फिर निस्संदेह संसारी प्राणियों का अनर्थ करने वाले कार्य हैं। वे कार्य 5 हैं, पापोपदेश,
हिंसादान, दुःश्रुति, प्रमादचर्या और अपध्यान, पापोपदेश। स्वयं तो पाप नहीं कर रहे किंतु दूसरों को पाप कार्य की प्रेरणा दे रहे, तो ये अनर्थ दंड है। यह पाप कर्म का विशेष आसव कराने वाला। हिंसादान, स्वयं हिंसा तो नहीं कर रहे किंतु अन्य लोगों को हिंसा के उपकरण देना, उसे हिंसा ही की जाएगी, तो वह हिंसा करेगा किंतु आपने हिंसा के उपकरण दिए, पाप आपको लगेगा। यदि पुण्य के उपकरण देता है व्यक्ति कोई, तो उसे पुण्य लगता है। आपने जिनवाणी को प्रिंट करा के छपा करके उचित हाथों तक पहुँचाया, उसका स्वाध्याय कर रहे, पूजन आदि कर रहे, तो आपको पुण्य मिल रहा। आपने भगवान की मूर्ति विराजमान की, लोग उनके दर्शन पूजन आदि करते हैं, आपको भी पुण्य लग रहा, उसको भी पुण्य लगेगा। मंदिर बनवाया, तो ऐसे पुण्य के कार्य हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं न करे दूसरों से कराए, तब भी उसे पुण्य प्राप्त होता है निमित्त की अपेक्षा से। इसी तरह पाप का भी उसे फल प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति स्वयं उस कार्य को नहीं कर रहा है कि दूसरों को उसके लिए रास्ता दे रहा है पाप करने के लिए, तो निमित्त की अपेक्षा से वह भी पापी कहलाता है। तो पाप उपदेश, हिंसादान, दुःश्रुति। दुःश्रुति होता है खोटे शास्त्रों का स्वाध्याय करना, सुत के शब्दों का दुरुपयोग करना, यह दुःश्रुति है। शास्त्र की बात को स्वीकार नहीं करना, शास्त्र का उल्लंघन करना, अपने मन की बात को शास्त्र से बढ़ा करके कहना, शास्त्र की बात का अपमान, अवहेलना, अविनय, ये सब पाप के कारण हैं। तो जो धर्मात्मा होता है वह कहता है मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो शास्त्र के अनुसार चलूँगा। किंतु जो व्यक्ति हटा गई अमानी होता है, वह कहता है शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र का मैं नहीं मानता, मैं तो अपने मन की बात मानता हूँ। तो इस प्रकार से खोटा उपदेश देने वाला दुःश्रुति है, या खोटा शास्त्र पढ़ना। अपध्यान, खोटा ध्यान। खोटा ध्यान करने से किसी का अनिष्टकारी आप सोच रहे हो, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंता, निदान आदि, किसी दुष्य के बारे में गलत आपके विचार आ रहे हैं, तो ये आपका अपध्यान है, खोटा ध्यान है।